सरदारपुर के सक्रिय व ऊर्जावान विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रयास रंग लाने वाले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के सितंबर माह के सत्र में विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा सरदारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 30 बिस्तर से 50 बिस्तर से उन्नयन होने के संबंध में की जा रही कार्रवाई से संबंधित प्रश्न लगाया, जिसमें लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रश्न के सवाल में लिखित जवाब दिया गया कि सरदारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 30 बिस्तर से 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन किया जा चुका है, जिसमें 10 करोड़ की लागत से नवीन अस्पताल भवन बनेगा और साथ ही 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल सरदारपुर में 50 पदों की व्यवस्था होगी, जिसमें एक चिकित्सा विशेषज्ञ, एक शल्य क्रिया विशेषज्ञ, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, एक निषेचना विशेषज्ञ, 6 चिकित्सा अधिकारी व एक दंत शल्य चिकित्सक व मैट्रन, 15 स्टाफ नर्स व एक नेत्र सहायक, 2 लैब टेक्नीशियन व रेडियोग्राफर व फार्मासिस्ट, 1 लेबोरेटरी अटेंडेंट, 4 वार्ड बॉय, 2 ओटी अटेंडेंट व 2 ड्रेसर व लेखपाल, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर व 2 वाहक चालक भृत्य व 1 सफाई कर्मचारी के सर्जन व उसकी पूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। ज्ञात हो कि क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल के विशेष प्रयासों से वर्ष 2020 में सरदारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 30 बिस्तर से 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन हुआ था, जिसके बाद से अस्पताल उन्नयन की संपूर्ण कार्रवाई के लिए विधायक ग्रेवाल निरंतर प्रयासरत थे। अस्पताल उन्नयन के बाद कई सुविधाएं सरदारपुर में ही मरीजों को मिलने लगेगी, जिससे धार इंदौर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। ये जानकारी विधायक कार्यालय से विष्णु चौधरी द्वारा दी गई है। सरदारपुर तहसील संवाददाता गणेश मारू की खास रिपोर्ट। हमारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है कि जो सरदारपुर क्षेत्र में के साथ साथ उचित सर्वे करवा करके उसका मुआवजा करे, मुआवजा दे सरकार किसानों को, और साथ ही साथ ही सरदारपुर क्षेत्र से घोड़ा रोज को भगाया जाए, यही हमारी मांग है। अगर यह हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो विगत 15 दिन बाद में एक बड़ा आंदोलन करेंगे किसानों के साथ में सरदारपुर क्षेत्र के।